तो आज आम क्लास 10 इंग्लीश टेक्स्ट बुक रो लास्ट टॉपिक टी को बुझिबा जहार नाम हेउची स्कूल्स गुड बाय रिटन बाय लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। देखो स्कूल्स गुड बाय बहुत ही इमोशनल टॉपिक आउ निश्चित भाव में तुम तुम स्कूल सहित इमोशनली अटैच्ड होइकि थिबो जेतेबेले तुम तुम स्कूल को छाड़ी कि बाहर को जीव सेतेबेले स्कूल रो बहुत कथा तुमको मन पड़ब तुमर जो स्मृति रे स्कूल रो बहुत गुड़ा दृश्य रही तुम सांगसाथी मानक सहित बीतेथिबा समय तुम टीचर्स मानक भल पाइबा आउ तुम स्कूल पियोन किंबा तुम स्कूल रो वाचमैन सहित तुम संपर्क ये सब विषय रे तुम निश्चित भाव रे मन पकेबो ये सब केबे भी तुम भूली पारिबो नाही। स्कूल लाइफ आउ तुमको एंजॉय करिया पई मिलिबो नाही स्कूल लाइफ रो दी एंड हे गला ए जगह रे तो सेथिपई स्कूल्स गुड बाय बहुत इमोशनल करिबो ए टॉपिक ते तुमको आसो आमे पढ़िबा स्कूल्स गुड बाय रिटन बाय लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। प्रथमे देखो लीड इन दिस इज योर फाइनल ईयर इन स्कूल स्कूल ले ये हुची तुमर शेष वर्ष यू विल से गुड बाय टू योर स्कूल सून आफ्टर योर टेस्ट एग्जामिनेशन इज ओवर वोंट यू। देखो तुम्हें तुम स्कूल को गुड बाय कह तुम स्कूल भी तुमको गुड बाय कहीदब या जितेबले तुम टेस्ट एग्जामिनेशन सरी जीव वोंट यू नुहे कि योर लास्ट डे एट स्कूल विल बी ए सोरोफुल वन एज यू आर गोइंग टू लिव इट फॉर गुड तुम्हें तुम भल पाई तुम फ्यूचर पर स्कूल को गुड बाय कह स्कूल छाड़ी चली जीव आउ लास्ट डे बा शेष दिन स्कूल ले तुम बहुत दुखद रमें तुम से देखिपार शेष दिन में ही जो मैंने तुम सहित एत वर्ष धरिकी स्कूल ले पढ़ी आसचंती टीचर्स मानक कथा भी तुम्हें बहुत मन पकेबो से मानक बहुत मिस करिबो सेमती टीचर आउ तुमको हुए तो आग को मिली न पारंती तुम्हें भाविबो जे कौ टीचर मैंने तुमको केते हेल्प करचंती केते भल पाउथिले तुमको तुम टीचर्स मैंने आउ तुम फ्रेंड्स मानक कथा तो निश्चित भाव में मन पड़िबो काहेकि ना सब फ्रेंड्स सेम प्रोफेशन किंबा सेम ट्रेड को फॉलो करिबे नाही समस्ते अलग अलग हो जाई पारंती ए जगह रे स्कूल रु एपार्ट हेबा परे बा स्कूल छाड़ी के जिबा परे हुए तो तुमरो बेस्ट फ्रेंड भी तुम सहित रही न पारे यू वोंट बी एबल टू एंजॉय लाइफ एट योर स्कूल एवर अगेन तुम तुम लाइफ को आउ स्कूल रे केबे भी एंजॉय करि पारिबो नाही उपभोग करि पारिबो नाही स्कूल लाइफ रो दी एंड ही जाई छी तुमरो यू फील इमोशनली अटैच्ड टू योर स्कूल तुम तुम स्कूल सहित इमोशनली अटैच्ड हो कि अछ व्हेन यू से गुड बाय टू इट जेतेबेले तुम स्कूल को गुड बाय कहुछ इट इज लाइक सेइंग गुड बाय टू योर ओन फैमिली तो एक कथा एमती होउची जे तुम निजर फैमिली को ही गुड बाय कह दउछ बा निजर परिवार को ही गुड बाय कह दे कि छाड़ी कि चल जाउछ स्कूल थिला तुमर सेकेंड परिवार बा सेकेंड फैमिली नुहे कि तुम्हें तुम घरे जेतिकी समय बीतौल पखापाखी से समय ही तुम स्कूल ले बीतौल है बाकी सब अन्य जगह भी तुम टाइम स्पेंड करुल तुम सांगसाथी मानक सहित स्कूल बाहर भी मिशुल नुहे कि बट योर एजुकेशन डज नॉट एंड हियर किंतु तुमर शिक्षार परिसमाप्ति यही जगह घटी ना यू मूव आउट फ्रॉम स्कूल to the wider world to prepare yourself for facing the challenges in life tumaku move out kariya pai padibo tame school lu bahari ki jibo tuma future pai hala dekho school le jete bele tame thilo tuma school hi tuma pai pura duniya thila kintu tame school chhadi ki jete bele bahar ku jibo sete bele tame gote wider world ku dekhibo wider world mane gote bistruto prithvi ku tame dekhibo hala wider world आउ तुम तुम लाइफ रे बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करिबो रीड द लेसन टू लर्न हाउ टू फेस द रियलिटी इन लाइफ आसो आम गोटे लेसन पढ़ा जार नाम हेउची स्कूल्स गुड बाय आउ आम जानिबा जे आम लाइफ रे रियलिटी को आम किपर भाव में फेस करिबा वास्तवता को किपर भाव में आम स्वीकार करिबा ताकु ग्रहण करिबा आउ वास्तवता को किपर भाव में आम फेस करिबा सामना करिबा बुझिहला चलो ठीक अछि वर्तमान आम दि टेक्स्ट को जीवा देखो टेक्स्ट यू आर नाउ अबाउट टू लीव स्कूल एंड बिफोर यू गो वी डिजायर टू सेंड यू आवर बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर वेलफेयर वर्तमान तुम्हें तुम स्कूल को छाड़ी जीवा उपरे एंड
आमे भावुचु तुमको बेस्ट विशेस दबा डिजायर माने कौन एठी इच्छा आमर इच्छा अच्छे एठी तुमको बेस्ट विशेस दबा डिजायर माने इच्छा तो आमर इच्छा होची जे आमे तुमको बेस्ट विशेस दबा वी डिजायर टू सेंड यू आवर बेस्ट विशेस माने कौन बुझी पार्छो तो शुभकामना बोली आमे कहि परिवा तो आमर इच्छा होची आमे तुमको शुभकामना दबा फॉर योर फ्यूचर वेलफेयर वेलफेयर माने हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल माने तुम्हारो कल्याण वेलफेयर माने तुम्हें बुझीनियो कल्याण तुम्हारो भविष्य उज्ज्वलमय हेउ कल्याणमय हेउ सही विषय रे हमें शुभकामना तुमको दौचु बुझीला तुम्हें स्कूल को छाड़ी जाऊ तुम भविष्य उज्ज्वल हो बा कल्याणमय हेउ ये होची हमर बेस्ट विशेस बा शुभकामना Although you are parting from school in which you have spent so many years, we hope you will not forget it and think that your education is finished. देखो, although माने जदियो तुम्हें तुम स्कूल को छाड़ी की चली जाऊ parting from माने to leave someone बा बिछे दी जीवा हैला छाड़ी की जण को चल जीवा एटी तुम्हें स्कूल को छाड़ी की चल जाऊ बुझियला although you are parting from school in which you have spent so many years तुम्हें से ही स्कूल को छाड़ी चली जाऊ जो स्कूल ले तुम्हें बहुत सारा वर्ष बीतीच वी होप आम आशा करुचु यू विल नॉट फॉरगेट इट तुम्हें यह केबे भी भूलिबो नहीं एंड थिंक दैट योर एजुकेशन इज फिनिश्ड आउ केबे भी भाविबनी जे तुम एजुकेशन बा शिक्षा ये जगह समाप्त हो जाइछि एजुकेशन केबे भी तुम समाप्त हो नहीं द मोर वन लिव्स द मोर वन लर्नस जिते अधिक दिन तुम्हें बचिब सेते अधिक जिनस तुम्हें शिखिबो शिक्षार समाप्ति घटिबो नाही शिक्षार समाप्ति घटिबो जुई नियारे जेते बेले तुम्हें देह त्याग करिबो सेते बेले तुम्हारो शिक्षार समाप्ति घटिबो नहले जीवन सारा ही तुमको शिक्षा पई पड़िबो इन व्हाट एवर ट्रेड और प्रोफेशन यू डिजायर टू फॉलो यू विल सून फाइंड इट इन व्हाट एवर ट्रेड और प्रोफेशन यू डिजायर टू फॉलो यू विल सून फाइंड दैट देखो एटी कुआ जाइछि जहाँ भी ट्रेड ट्रेड माने तुम्हें बुझी पार्छो ना व्यवसाय बा व्यापार आ प्रोफेशन माने हेउछि वृत्ति तो जहाँ भी व्यवसाय आ वृत्ति तुम्हें फॉलो करिया पई चाहुचो बा ग्रहण करिया पई चाहुचो यू विल सून फाइंड दैट तुम्हें निश्चित भाव ताकू खोजिकी पाइबो अति शीघ्र सून माने शीघ्र तुम्हें शीघ्र ताकू खोजिकी पाइजिबो इफ यू आर एम्बिशियस टू सक्सीड इन इट यू मस्ट कंटिन्यू योर एजुकेशन जदि तुम एम्बिशियस थिबो एम्बिशियस माने एक्टिवली सिकिंग सक्सेस वेल्थ एंड स्टेटस एक्सेट्रा हला तो जदि तुम किसी गोटे बड़ एम्बिशन थिबो लाइफ रे एम्बिशन एमती हो पारे जे तुम देश सेवा करिया पई चाहुच तुम एम्बिशन अछि किंबा तुम कंप्यूटर क्षेत्र रे नियुक्ति पाया पई चाहुच किंबा तुम गोटे बहुत बड़ गोल अछि लाइफ रे तुम बहुत सारा पिलांकु एजुकेटेड बनिया पई चाहुच हला ये हूँ एम्बिशन जहाँ को आम कहीपर सक्सेस वेल्थ बा स्टेटस को इच्छा करिबा एक्टिवली सिकिंग सक्सेस वेल्थ एंड स्टेटस एक्सेट्रा ओडिया रे कहिले उच्चाकांक्षी बोली कहीपरिया बा महत्वाकांक्षी बोली कहीपरिया जदि तुम्हें उच्चाकांक्षी तुम आकांक्षा बा आशा बहुत बड़ अच्छी टू सक्सीड इन इट सक्सीड माने बुझिपारछ सक्सेस रु आछि सक्सीड माने सफलता पाइबा You must continue your education. जदि तुम्हें तुम एम्बिशन क्षेत्र में सफलता पाया चाहुच बा उच्चाकांक्षा को सफलता प्रदान करने चाहुच ताल तुम निश्चित भाव एजुकेशन को कंटिन्यू करवा आवश्यक बा तुम शिक्षा को चालू रखा आवश्यक देख नेक्स्ट लाइन ने कौन दि जा सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजिली सिक्योर्ड तो लाइफ रे सफलता केबे भी सहजरे मिलेनी सिक्योर माने हुचि टू ऑब्टेन समथिंग तुम्हें कहा जदि पाया पई चाहुचो सफलता पाया पई चाहुचो ताले से तुमको इजिली मिलिबोनी बहुत सहजरे तुमको मिलिबोनी कहा को भी जीवन रे सफलता सहजरे मिलेनी आउ जदि सफलता तुमको बहुत सहजरे मिलि जाउचि ताले से बेसी दिन पर्यंत रहिबोनी तुम सहित हला तुम्हें जदि किछि गलत काम करिके बहुत शीघ्र सफलता पाई जाउचो ना ताले से तुमठारु बहुत शीघ्र चली जीवो कुहा जाए अन्याय धन बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित है इट ओनली कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग सफलता केवल से मानू ही मिले जे मैंने बहुत कठिन परिश्रम करती वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग
ଶିଖିବା ଜୀବନରେ ଯିଏ ବି ଛାଡ଼େନି ତାକୁ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଲାଇଫରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବ, ଆଉ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ମାନେ ତୁମେ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ତୁମ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋତେ ଏମିତି କିଏ କେମିତି କହିପାରିବ। ଆରେ କିଛି ନୁହେଁ ଭାଇ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ କେବେ ତୁଳନା କରିବନି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସବୁବେଳେ ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ନିଜକୁ କୁହ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏହାର ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମଠୁ ବହୁତ ନୀଚ ବୋଲି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସବୁବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ବେଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭେରି ସୁନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିକୁ ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ବାଛିବ ଯେ ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବ କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ କି କମର୍ସ ପଢ଼ିବ, ହେଲା। ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଅଧା ଡିସିସନ୍ ତ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ନେଇଯିବ, ତୁମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲା। ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭଏଡ୍ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନି ଅକୁପାଏସନ୍ ଦାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ନୋ ହେୟାର୍। ଦେଖ, ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର୍, ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ। ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତୁ ସେଇଆ ହିଁ ପଢ଼, ସେଇଆ ହିଁ କର। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲାଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି କମର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବ ଯେ ତୁ କମର୍ସ ପଢ଼, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଲାଇଫ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ହୁଏତ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ମାରିଦେଇକି ତା ବାପାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଜିନିଷ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତା ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତା ବାପାର ଆମ୍ବିସନ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇ କାମ କର ଯେଉଁ କାମରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭଏଡ୍ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନି ଅକୁପାଏସନ୍ ଦଟ୍ ଲିଡ୍ସ ନୋ ହେୟାର୍। ଆଉ ଏଭଏଡ୍ କର ଏଭଳିଆ ଅକୁପାଏସନ୍କୁ, ଏଭଳିଆ ବୃତ୍ତିକୁ ଯାହାକି ତୁମକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେବ ନାହିଁ, ଦାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ନୋ ହେୟାର୍, କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ନେଉନାହିଁ। ଜଣେ କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇବି, ଖାଲି ଶୋଇବାରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ତ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ନେବନି। ତୁମେ ଯଦି ଦିନଭରି ଶୋଇ ରହିବ, କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନପସେ ଆହାର ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ଗୋଟେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ ମୁହଁରେ କେବେ ବି ଆହାର ପଶିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ନହିଁ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହ ମୁହଁରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ମୃଗ ପଶିଯିବ ନାହିଁ। ସିଂହକୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଏମ୍ ରାଦର୍ ଏଟ୍ ୱାର୍କ ଦଟ୍ ହେଜ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଦ ପ୍ରମିସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହାପି ଫ୍ୟୁଚର୍। ତୁମେ ଏମ୍ କର ବା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ସେଇଭଳିଆ କାମକୁ ଯିଏକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ହାପି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ହାପି ଫ୍ୟୁଚର୍, ଖୁସିରେ ରହିବ ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଦେଖ, ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିବା ତ ହୁଏତ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ନଥାଇପାର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ଟିଚର୍ସଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇପାରିବ, ହେଲା। ତୁମେ ତୁମ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବେଟର୍ ହେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି, ହେଲା। ତୁମ ଟିଚର୍ସ, ତୁମର ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ସେମାନେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିବେ ତ,
ଯଦି ତୁମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା କର ଦେଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ପିଲା ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ଆଜି ସେ 50,000 ଦରମା ପାଉଛି ଆଉ ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଯାହା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବୁ ଆଉ ତୁମର ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ ବୁଝିହେଲା ନା ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ବା ପ୍ରଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେକାର ଜିନିଷ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷ କର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ଏମିତି ଅକୁପେସନ୍କୁ କେବେ ବି ଚୁଜ୍ କରିବନି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଉନଥିବ ତୁମକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବ ହେଲା ସେମିତି ଅକୁପେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଜବ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କର ବା କାମ କର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ଲାଇକିଂ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ତୁମର ଲାଇକିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦରକାର ସେ ଜବ୍କୁ ଇଫ୍ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ଦ ଚଏସ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ମେକ୍ ଡୁ ନଟ୍ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜ୍ ଟୁ ମାନେ ଏବାଉଟ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ମାନେ କ'ଣ ଏବାଉଟ୍ ଦେଖ ଇଫ୍ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ତୁମେ କେବେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଚଏସ୍ ୟୁ ଶୁଡ୍ ମେକ୍ ତୁମ ଚଏସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବାଛିବି ଡୁ ନଟ୍ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଟିଚର୍ସ ଦେଖ ହେଜିଟେଟ୍ ମାନେ ସଙ୍କୋଚ କରିବା ତୁମେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସଙ୍କୋଚ କରିବନି ତୁମର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବାରେ ବା ଉପଦେଶ ନେବାରେ ହେଲା ତୁମ ଟିଚର୍ସମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ତୁମେ ସଙ୍କୋଚ କରିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ କିପ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର୍ ରେଗୁଲାର ହେବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ ମେକ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦି ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେଖ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସଫଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ତ ଅଧିକାଂଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସଫଳତା ନା ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ଅଛି ଇଏ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କିପ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଫିଟ୍ ଫର୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଏମିତି ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟେସ୍ ପେର୍ସି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଡୁ ଫର୍ କିପିଂ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ତ ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିନେବା ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ କିପ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର୍ ରେଗୁଲାର ହେବିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଏ ହବି ଅର୍ ଏମ୍ୟୁଜ୍ମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ମେକ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦି ଗେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଭଏଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ସ୍ୟାପ୍ ୟୋର୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍ୟାପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିକେନ୍ SAP ସ୍ୟାପ୍ ସ୍ୟାପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିକେନ୍ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କର ଯାହାକି ତୁମ ଶରୀରକୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ବୁଝିହେଲା ହେଲ୍ଥ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା କାରକକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କର ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୟୋର୍ ୟୁଥ୍ ଷ୍ଟନ୍ସ ଦି ବଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦି ବ୍ରେନ୍ ତ ଯଦି ତୁମେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ବା ୟୁଥ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛ ବା ଧୂମପାନ କରୁଛ ଇଟ୍ ଷ୍ଟନ୍ସ ଦ ବଡି ଷ୍ଟନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ସମ୍ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେବା ତୁମ ଶରୀରର ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେବ କିଏ ସ୍ମୋକିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦ ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦ ବ୍ରେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଟୁ ମେକ୍ ଅନ୍ସର୍ଟେନ୍ ଅର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ତ ତୁମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଇଏ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବ ବୁଝିହେଲା ବି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଟେମ୍ପରେଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ହେବ ସଂଯମତା ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କର ଆଣ୍ଡ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ବିୱେର୍ ମାନେ ହେଉଛି ବି କେୟାରଫୁଲ୍ ତ ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ତ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରତି ବି ସତର୍କ ରହିବ ସାବଧାନ ରହିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ତ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷତାର
बहुत बड़ शत्रु डेडली एनमी एनमी माने कौन शत्रु डेडली एनमी माने हूँ बहुत बड़ शत्रु एठारे बुझेगा मारात्मक शत्रु बोली आम कहीपर बुझेगा तो चलो नेक्स्ट पाराग्राफ को देख एभव ऑल रिमेम्बर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्राइसलेस पोजेसन कीप इट देयर फॉर अनटर्निश्ड देख ये जो पाराग्राफ टी अच्छी ये आमर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो जापर जे हाउ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टेस पर्सी कैन कैरेक्टर बी केप्ट अनटर्निश्ड अनटर्निश्ड माने अक्षुर्ण एभव ऑल रिमेम्बर दैट योर कैरेक्टर इज प्राइसलेस पोजेसन सबुठारु अमूल्य हेउची कैरेक्टर बा चरित्र कुहा जाए थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार तेणु जदि चरित्र को तुम्हें हरई बस तुम्हें सबकि हरई भाव इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट जदि पैसा हजि जाइछि ताले किछि भी जाइनी तुम पाखु तुम्हें आउ थरे पैसा कमे दे पारिबो किछि असुविधा नाही इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट जदि हेल्थ हजि जाइछि ताले किछि तो हजि जाइछि तुम पाखु इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट जदि चरित्र हजि जाइछि ताले सबु किछि चल जाइछि तुम पाखु बुझियला अबव ऑल रिमेम्बर दैट योर कैरेक्टर इज ए प्राइसलेस पोजेसन कीप इट देयर फॉर अनटर्निश्ड माने सबुबेले कैरेक्टर को तुम्हें अनटर्निश्ड रखिबो बा अक्षुर्ण रखिबो विदाउट ए ब्लैक स्पॉट बुझियला अनटर्निश्ड माने विदाउट ए ब्लैक स्पॉट कला दाग लगेबो नाही तुम चरित्र रे बी ट्रुथफुल इन ऑल थिंग्स सबु जिनस रे सत्यवादी हुओ कंसीडरेट टू एवरीबॉडी कंसीडरेट माने हेउची विचारशील समस्तक प्रति तुम्हें विचारशील हुओ फेयर टू योर राइवल्स राइवल्स माने हेउची प्रतिद्वंदी तो तुम प्रतिद्वंदी मानों प्रति तुम्हें निरपेक्ष रुह फेयर टू योर राइवल्स काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग तो जो मैंने वीक बा दुर्बल अच्छा आउ जो मैंने दुखी अच्छा सफर करुंला वेदनाग्रस्त जो मैंने अच्छा से मानों प्रति तुम्हें काइंड आउ हेल्पफुल रुह काइंड मैंने दयालु आउ हेल्पफुल मान हूँ साहाज्यशील है सबुबले अन्य मानंकु साहाज्य कर आउ से मानंकु प्रति दयावान हुओ खास करके जो माने दुर्बल आउ जो माने जंत्रणा रे जर्जरित जो माने दुख भोगुचंती एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड प्योर एंड नोबल सबुबले भलो जिंस सत्य आउ धर्म सपक्ष रे रहिबा पई केबे भी हेजिटेट हबो नाही बा केबे भी संकोच करिवो नाही डू नॉट बी अफ्रेड माने एठी भय कर ना डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड प्योर एंड नोबल है तो सत्य धर्म न्याय आ भल जिन सपक्ष में ढाई के तुम भय करेजर सहित स्टैंड अप नियो बा साहसर सहित तुम धर्म सपक्ष में ठिया हे एवॉइड गैम्बलिंग इन एवरी फॉर्म गैम्बलिंग माने जुआ खेल तो जुआ खेल को तुम सबुबले एवॉइड कर विरोध कर इट इज ए मीन गेम ये हूँ गोटे बहुत ही मीन गेम मैंने बुझीप नीच जिनस नीच गेम बाच खेल ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग तो गोटे लोक चेष्टा करे समथिंग फॉर नथिंग पाइबापी है मानने किसी नी चाहू जो सांगे सांगे किसी जिनस आसी जाऊ एंड एट समबडीज कॉस्ट आउ गोटे कॉस्ट लगे कौ जिनसर कष्ट हो पार कि समबडीज कष्ट मानने कौ गोटे लोकर कष्टे मिलती तुम्हें महाभारत शुणी युधिष्ठिर कौरव मान सहित खेली जुआ आउ सी बाजी लगे सबुतक धन संपत्ति स्त्री को भी बाजी लगे है तो समबडीज कष्ट बुझीला ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग आम चेष्टा करू जुआ खेल किसी जिनस पाइबापी फॉर नथिंग किसी न दे कि सांगे सांगे कि उपार्जन करवा हटात किना धनी ही जीवार आशा आम जुआ खेली था जहाँकि बहुत खराब गुण अटे इट इज ए मीन गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एंड एट समबडीज कॉस्ट मेक प्रोविजन फॉर हार्ड टाइम्स प्रोविजन माने हेउची प्रावधान तो बा आगरु सचेतन होकर रुह हार्ड टाइम्स पई हार्ड टाइम माने बुझिपार तो हार्ड टाइम माने हेउची आगक आसुथिबा दुख समय कष्ट समय पई सबुबेले तुम्हें प्रावधान तैयारी कर बा सचेतन होकर रुह इन योर लेजर आर्स एवॉइड मेयर इडलिंग फांका समय रे आलस्य को विरोध कर मेयर इडलिंग माने हूँ केवल आलस्य फिल सच आर्स विथ इंटरेस्टिंग हॉबीज गुड बुक्स विथ
कंपानियनशिप्स एंड एसोसिएशंस कैलकुलेटेड टू एक्सरसाइज ओवर यू एंड इन्फ्लुएंस फॉर गुड टू ए लार्ज एक्सटेंट यू विल बी नोन बाय द कंपनी यू कीप। देखो तुम्हें जो सांग मानक सहित मिशुचो ना से मानकर प्रभाव डायरेक्टली तुम उपरे पड़ी थाए तेणु तुम्हें तुम सांग बहुत जत्नर सहित चूज कर। देख दुर्योधनर सांग थिले कर्ण शकुनी दुशासन जो मैंने कि कुमंत्रणा दे किंतु अर्जुनर सांग किए थे भगवान श्रीकृष्ण से सब बड़े धर्म सपक्ष में रहा प्रवर्तुले बुझीलाना से तुम्हें जो लोक मान सांग तुम्हें जत्नर सहित चूज कर क्या सहित तुम्हें फ्रेंडसीप बंधुत्व स्थापन करवा उचित आठ दूर रहा उचित एक तुम्हें निजे जाणी दरकार बुझीलाना। चलो आग को जीवा With a sound mind in a sound body, a good character, courteous manners, and loyalty to the duties of our nation and its high ideals, you will, by God's grace, be a credit to your family, a good citizen, and in your whole life, a real success. देखो, in a sound mind, in a sound body, गोटे सुस्थ शरीर मध्यरे और गोटे सुस्थ मन मध्यरे, a good character माने कौन? भल चरित्र, courteous manner. माने भलो व्यवहार एंड लॉयल्टी लॉयल्टी माने हूँ विश्वस्तता टू द ड्यूटीज ऑफ योर नेशन एंड इट्स हाई आइडियल्स ड्यूटीज माने हूँ कर्तव्य तुम देश प्रति थिबा तुम कर्तव्य आउ तार हाई आइडियल्स माने उच्च आदर्श यू विल बाय गॉड्स ग्रेस भगवान को आशीर्वाद रु तुम निश्चित भाव में बी ए क्रेडिट टू योर फैमिली तुम परिवार रो शान हबो तुम्हें क्रेडिट माने हूँ एठारे शान माने परिवार रो शोभा हबो बुझेला ए गुड सिटीजन गोटे भल नागरिक एंड इन योर होल लाइफ ए रियल सक्सेस तुम्हें तुम जीवन भरी वास्तव सफलता पाई चलिबो बुझीला। चलो ठीक अच्छे एथि सहित आम टॉपिक टी कंप्लीट हो जाइछि वर्तमान देखि नबा अबाउट दि ऑथर ऑथर को विषय रे टिके पढ़ी नबा दि एसे स्कूल्स गुड बाय कन्वेज ए मेसेज टू स्कूल चिल्ड्रेन बाय लॉर्ड यूस्टेस पर्सी ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन रो एजुकेशनल मिनिस्टर थिले लॉर्ड यूस्टेस पर्सी फॉर्मर एजुकेशनल मिनिस्टर फॉर्मर माने पूर्वतन पूर्वतन शिक्षा मंत्री थिले ब्रिटेन रे बुझेला। कन्वेज माने दर्शेबा तो सी हमकू गोटे मेसेज दर्शेचंती चिल्ड्रन मानंक पई बा पिला मानंक पई ए स्कूल्स गुड बाय प्रबंध माध्यम रे यू विल बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इट एज इट टेल्स स्टूडेंट्स हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड सिटीजन इन फ्यूचर। तो ये प्रबंधटी आमको कौन सिखाऊची ना हाउ टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड सिटीजन्स इन फ्यूचर आम भविष्य किपर भाव में भल मनीष हो पार आ भल नागरिक हो पार से विषय प्रबंधटी आमको सूचना दूची बुझीलाना। चलो एथस आमर स्कूल्स गुड बाय नामक टॉपिक टी फिनिश हो जाइए आज क्लास को आम यही रखा धन्यवाद।